तो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निनिर्वापणम्। श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणम् विद्याबधू जीवनम्। आनन्दां बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम्। सर्वात्मस्नपनम् परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नाम संकीर्तनम् यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमा कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद ब्रजेन्द्र नंदनांघ्रि जुगल ध्यानावधानार्थियो, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात भगवत विषय में कुछ चर्चा की जाएगी। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गो
यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। समस्त विश्व के समक्ष केवल एक प्रश्न है, हम क्या चाहते हैं और क्यों और वो कैसे मिलेगा। बस इसी एक प्रश्न के हल करने में अनंत जन्म बीत गए। अनंत बार हमको ये मानव देह भी मिला, किंतु ये प्रश्न हल नहीं हो सका। इसे हल करना है। जब तक हल नहीं होगा तब तक हमारी अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, ये अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हल नहीं होंगी। और इस प्रश्न को हल करने के लिए हम उनसे न पूछें जो स्वयं इस प्रश्न को नहीं हल कर पाए। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति ये दावा करता है, हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, किंतु वे सब उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर वेद देता है। क्यों? वेद अनादि वाणी है। नंबर दो, वेद पुंदोष शंका पंक कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट है। अर्थात और लोगों में जो चार दोष होते हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रदीप्सा, करणा पाटव, ये वेद में नहीं है। अतएव वेदों के द्वारा ही हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। केनोपनिषद में कहा गया, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदी महति विनष्टि। अरे मनुष्यो, मानव देह पाकर यदि इस प्रश्न को हल न किया तो फिर और कोई देह ऐसा नहीं है जिसमें यह प्रश्न हल हो सके। और बड़ा दुष्परिणाम भोग रहे हो, आगे भी भोगना पड़ेगा।
इसलिए जानो, इस प्रश्न का हल जानो, क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा जी। फिर वेद कहता है, इह चेदशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसा तथा सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते। केनोपनिषद ने कहा दूसरे खंड के पांचवें मंत्र में, बड़ी हानि होगी। तो कठोपनिषद ने कहा दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का चौथा अनुवाद, अगर तुमने इस मानव देह में नहीं जाना तो करोड़ों कल्प इस भवाटबी में मानव देह नहीं मिलेगा, और देह मिलेंगे जिनमें कष्ट ही कष्ट है। आप सोच नहीं सकते उस कष्ट को, कोई नहीं सोच सकता। अगर कोई सोच ले तो तुरंत इस प्रश्न को हल करने में जुट जाए। एक जंगल का जानवर सारा दिन सारी रात केवल पेट भरने के लिए भागता रहता है, पानी नहीं मिलता मर जाता है, खाना नहीं मिलता मर जाता है, बीमार होता है मर जाता है, एक दूसरे प्राणी एक दूसरे को ग्रास बना लेते हैं, कोई रक्षक नहीं, किसको पुकारे वो। एक हिरन दिन भर भूखा परेशान था, उधर से शेर आया, उसने कहा अपना काम बन गया, खा लिया। ये सब हम लोग अनंत बार भोग चुके हैं, भूल गए। तो वेद कहता है यही सब फिर भोगना पड़ेगा। मानव देह तो कभी कभी मिलता है, यद्यपि 84 लाख में सर्वश्रेष्ठ हैं देवता स्वर्गलोक के, उनका शरीर भी दिव्य होता है, बुद्धि भी बहुत होती है, पावर भी बहुत है, हम लोग सोच नहीं सकते। अनंत कोटि ब्रह्मांड को जला दे अग्नि देवता, सारे ब्रह्मांड को उलट दे वायु देवता, बड़ी बड़ी पावर है उनके पास, लेकिन वहां साधना नहीं हो सकती। इस प्रश्न को हल करने का उपाय वे नहीं कर सकते, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। भागवत, स्वर्गुणो पेतमिच्छन्ति, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 12वां श्लोक। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, बड़ा दुर्लभ है। भागवत 11वें स्कंद के 2वें अध्याय का 29वां श्लोक। नमानुषम बिनान्यत्र तत्वज्ञानं तु लभ्यते, गरुड़ पुराण। ये मानो देह के सिवा और कोई ऐसा देह नहीं जिसमें आप ज्ञान प्राप्त कर सकें, यानी इस प्रश्न को हल कर सकें।
दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। इसीलिए देवता लोग भी चाहते हैं ये मानव देह। नारद पुराण, जन्मांतर सहस्रेष्टु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। करोड़ों जन्मों के बाद कभी भगवान कृपा करके मानव देह देते हैं। महाभारत शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है, दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। तीन वस्तुएं बड़ी भगवत कृपा और बड़े भाग्य से मिलती हैं। नंबर एक मानव देह, ये हम लोगों को मिला है। नंबर दो महापुरुष, सही सही महापुरुष, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत का मिलन और हम उसको माने, ये दोनों बात बने, ये और दुर्लभ। और अगर ये हो भी जाए तो तीसरी चीज और दुर्लभ है, भूख प्यास मुमुक्षा लालसा मिलन की व्याकुलता। अगर व्याकुलता न हो तो किसी को कैंसर हो गया है और मटर गश्ती कर रहा है, इलाज नहीं कराता, मरेगा। डायबिटीज हो गई है किसी को और रसगुल्ला खाए जा रहा है, मरेगा। तो मानव देह पाकर शास्त्र वेद सब एक स्वर से कह रहे हैं कि इस प्रश्न को हल करो। तो वेदों ही से पूछो, आप ही हल कीजिए। देखो तीन तत्वों का ज्ञान परमावश्यक है। सर्वप्रथम ब्रह्म जीव माया, सर्वाजीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाद् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ज्ञाग्यौद्वा वजा भीषणीषा वजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता क्षरं प्रधानमृताक्षरं हरक्षरात्माना विशते देव एकः। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्चतुरोपनिषद एक छ एक आठ एक नौ एक दस एक बारह। और ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र हैं। नौ पांच नौ सात नौ आठ नौ 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 ग्यारह, ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं भगवान। नंबर एक और एक जीव, नंबर दो हम लोग, और एक माया, नंबर तीन